भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। लेकिन ऐसा पहली बार शायद हो रहा है कि पीएम जो है वो सारे एमपी को बना रहे हैं और सबको बना रहे हैं। मैक्सिमम जो सीटें आई हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है मोदी जी का। मोदी जी का मैजिक जो है बरकरार है और पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा है। बल्कि लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे, अंदर से घबराए हुए थे, लेकिन उनका जो एक नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, वो वाकई विकास के हैं। इस बार भी हम घर गए थे तो हमने देखा किस तरह से घर बने हुए, किस तरह से टॉयलेट्स बने हैं लोगों के घरों में, किस तरह से बाकी चीज़ें आ गई, लाइट्स किस तरह आ गई हैं। एक ऐसा लीडर चाहिए था इस हिंदुस्तान को, हमारे देश को, जो सबको लेके चल सके, वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल मोदी जी हैं, दूसरा कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरी 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 पार्टी को और स्पेशली हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन दिग्गज जो इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे लीजेंडरी एक्टर मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी, ये दोनों को दिल से बहुत बहुत बधाई। ये लोग बहुत मैक्सिमम वोटों से ये जीत के आए हैं और इनका जो है वो एक जहाँ एक तरफ शीला दीक्षित जी जो सीएम रह चुकी हैं दिल्ली की, उनके सामने लड़ना और मनोज जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मनोज जी हमेशा मुस्कुराते रहे हैं और एक भोजपुरी सिनेमा को, इस इंडस्ट्री को ये लोगों ने और गर्व से भर दिया है। हम सबका सीना अपने आप चौड़ा हो गया है। और दिनेश जी यदि पीछे हैं और नहीं निकल पा रही है उनकी सीट, तो मैं इतना ही कहूँगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरे जो घुटनों के बल लड़े। अगर आप देखेंगे पूरे इलेक्शन और कैंपेनिंग और बातों में, तो दिनेश जी ने बहुत मेहनत किया है और बहुत तरीके से उन्होंने फाइट किया है और एक ऐसे व्यक्ति के सामने उनका फाइट था जो एक्स एमपी, एक्स सीएम, सीएम रह चुके हमारे यूपी के, और अब तो मतलब वो उनके सामने फाइट करना ये बहुत टफ था और वहाँ वोट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइड था तो लेकिन फाइट के मामले में अगर देखने जाएंगे तो दिनेश जी ने बहुत तगड़ा फाइट किया है। जो उनका पूरा परफॉर्मेंस रहा है उन दौरान, वो लग नहीं रहा था कहीं से कि एक्टर हैं, पूरी तरह लीडर लग रहे थे। राजकुमार जी, तीनों हीरो को लेकर फिल्में जो डायरेक्ट भी किए हैं, प्रोड्यूस भी किए हैं, जब आप फिल्में बनाते थे कभी आपने सोचा था कि ये इतने बड़े नेता बन जाएंगे लोग? नहीं, कभी नहीं, लेकिन एक चीज तो था, बहुत शालीन हमेशा रहे हैं और मनोज जी तो बहुत शालीन रहे हैं। रवि जी का एक चीज मैंने हमेशा देखा है, जब भी वो सिनेमा के दौरान भी वो चिंतन हमेशा करते रहते रहे हैं सिनेमा को लेकर। और अब अच्छा, चूंकि योगी जी का इतना इस लेवल तक का साथ उनको मिला, मैं खुद गया था उनके कैंपेनिंग में, उनके प्रचार में, और मैंने देखा कि एक दिन में ही 3 सभा योगी जी का रवि जी के साथ हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारे लग गए थे और बहुत मेहनत कर रहे थे, डोर टू डोर ये लोग जाके सबको मिले हैं और सबके मन में बहुत बड़ी धारणा ये है कि काम करना है और सिर्फ काम करना है। जो नीति बीजेपी की बेसिकली है कि वो काम करना चाहते हैं और वो है, मैं सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कोई भी पार्टी के जितने कैंडिडेट जीते हैं मैं सबको दिल से बधाई देना चाहूंगा, और जो हारे हैं किसी भी पार्टी के हों, वो उन्होंने अपना फाइट किया, अपना बेस्ट दिया, अगर कहीं कोई चूक है तो आगे के लिए को अपने बारे में देखना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए कि ऐसा क्या है। एक बात, बीइंग अ सिविलियंस, बीइंग अ सिनेमा मेकर, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप काम इतना करो कि कैंपेनिंग करने की आपको जरूरत ना पड़े। आज मोदी जी ने काम किया था, सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे, इसलिए उनको कैंपेनिंग इस लेवल तक का करना पड़ा, उनको जाके लोगों से इस तरह से मंच उनको करना, जाके मिलना पड़ा और अपनी भाषण देनी पड़ी, अदरवाइज शायद उसकी भी जरूरत नहीं थी। जब आप खूब काम करेंगे आपका वोट कोई नहीं छीन सकता है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता मिसाल आज के तारीख में हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर से मोदी जी। पूरा देश आज हिंदुस्तान पर नजर टिकाया हुआ था, सभी ने मोदी जी को बधाई दिया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई न कोई देश ऐसा जो बधाई नहीं देता था जी। तो क्या लगता है, अब काफी देश झुके हैं या फिर समझे, समझौता किए हैं चीजों को लेके? नहीं नहीं, मोदी जी तो एक ऐसा पावर पर्सनालिटी है, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, जब वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ अपने आप में चीजें पलट जाती हैं और देश दुनिया में जो हिंदुस्तान हमेशा विश्व गुरु रहा है वो फिर से एक बार मोदी जी विश्व गुरु के रूप में फिर से खड़े हो गए हैं और पूरा का पूरा देश जो है, पूरा का पूरा दुनिया जो है, वो एक बार फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बुलाने वाली है और अब बुलाएगी, और उस चिड़िया को जो संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं, यही होना था और यही होना चाहिए। जो नए वोटर्स आए हैं उन्होंने बहुत बहुत दिमाग से काम किया है,
लोग सबसे अच्छी बात यह हुई कि कास्टिज्म जो हुआ करती थी कि कुछ लोग बोलते थे ये यादव है इसलिए वोट हमारा है, ये ब्राह्मण है इसलिए हम ब्राह्मण है तो वोट ऐसा है, ये मुस्लिम लोग ऊपर उठ के, ठीक है अपनी अपनी पार्टियों को भी लोगों ने वोट किया ही होगा, ऐसा नहीं है कि उनको वोट ही नहीं मिले, लेकिन लोग ज्यादा तादाद में अब बाहर निकल के अगर घर में 5 लोग हैं तो मुझे लगता है उसमें से एक ना एक व्यक्ति अगर किसी पार्टी को फॉलो कर भी रहा होगा तो मुझे लगता है बीजेपी को जरूर उसमें से 2 लोगों ने वोट कर भी दिया होगा, अगर 100% किसी पार्टी का होगा तो भी। तो ये बहुत अच्छी बात आई है कि कास्टिज्म से हटके जो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, सबको एक 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 साथ लेके चलना चाहिए, जो सबका साथ सबका विकास, 130 करोड़ जनता की बात हमेशा मोदी जी करते आए हैं, और कहीं ना कहीं जो एक पीस चाहिए था हिंदुस्तान के अंदर, राम राज्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पूरी तरह से हिंदू मतलब वो अपना कोई तलवार लेके चलाने वाली बात ही, ऐसा नहीं, राम राज्य का मतलब है कि जो लोग भी हिंदुस्तान में हों, जो लोग इस राज्य में रहते हों, उन सब के लिए पीस हो, उन सब के लिए उनकी जरूरतों की चीजें मिलनी चाहिए, सबके लिए सुख साधन होना चाहिए, वो राम राज्य अब जो है वो मोदी जी के राज्य में और बहुत पैमाने पर आने वाला है, अलग अलग नीतियां लेकर आएंगे और आगे बहुत अच्छा रहा है, आगे आने वाले 5 साल के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग सब लगे थे, मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए, लेकिन सबका दिल से साधुवाद है, धन्यवाद है, और सभी सभी वोटरों को दिल से बधाई कि उन्होंने जिसको चुना वो चुन कर सबके बीच में मोदी जी के रूप में। आज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले मैंने तो टीवी खोला और रात भर मैं 2:30 बजे तो पहली बार सोया ही था, सोचा था कि कल क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, और चूंकि हम ग्राउंड लेवल पर गए थे और मैं देख रहा था, क्योंकि मनोज जी बहुत सक्षम है, मनोज जी के लिए हम लोगों को पहले से लगता था कि मनोज जी हमेशा जीत के आएंगे, मनोज जी जिस तरह से शालीन है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो अपने कार्यकाल में भी जब अभी पिछले वो सांसद रहे हैं उन दौरान भी मतलब किसी न किसी छोटा फंक्शन में भी अपने संसदीय क्षेत्र में वो जाते रहे हैं, वो लोकसभा क्षेत्र में अपने जाते हैं। मनोज जी के साथ कितने फिल्म आपने डायरेक्ट किया और लास्ट मूवी कौन सी थी? लास्ट मूवी मनोज जी के साथ ही मेरी फिल्म देवरा भैल दीवाना, जिसमें मनोज तिवारी जी बड़े भाई की भूमिका में है और प्रदीप पांडे चिंटू छोटे भाई की भूमिका में है, और किस तरह से दो भाइयों की एक मतलब प्यार और उनके तकरार और उनके सेपरेशन की कहानी है, जो मनोज जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया था, और वो उसी टाइम उन्होंने बीजेपी का टिकट उनको मिला था पहली बार, और मेरी फिल्म रिलीज होते होते मनोज जी सांसद बन के आए थे, तो ये बहुत खुशी की बात है। आज दिल से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से यदि कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि बस हमारे जो भोजपुरिया शेर हैं ऐसे ही डंका बजाते रहें, इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लाना है, ये भाषा ऑलरेडी फैली है विश्व में दुनिया भर में, इसको और आगे लेकर जाना है। रवि किशन जी के साथ लास्ट मूवी, रवि किशन जी के साथ लास्ट मूवी थी छोरा गंगा किनारे वाला, जो हम लोगों ने ऋषिकेश हरिद्वार में शूटिंग किया था, और रवि जी के साथ तो बहुत फैमिली रिलेशन रहे हैं मनोज जी के साथ भी, और मतलब घर बैठना भी हम इवन गए हैं तो 2 दिन उनके साथ ही थे, तो बहुत खुशी की बात है और मैं तो पूरे नहीं समा रहा हूँ, मतलब अगर कहेंगे तो बस यही कहूंगा कि जो संतुलन जिस तरह से भोजपुरी का इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया था वो राजनीति में भी बहुत अच्छा स्वरूप आए, इनका निखर के आए, और अपने सिनेमा और समाज दोनों को साथ में लेके चले, और जो लोग इनसे जुड़े थे बहुत रोजी रोटी लोगों को सिनेमा के माध्यम से मिला, आगे जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजी रोटी मुहैया कराएं, सब लोग मेहनत करें। दिनेश जी के बारे में 2 लाइन। दिनेश जी के बारे में कि एक ऐसा हमारा एक्टर फाइटर मेहनती, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरे जो घुटनों के बल चले, तो एक अच्छा फाइटर, उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और इस हार को हार नहीं, मेरी नजर में बहुत बड़ी जीत है दिनेश लाल यादव निरहुआ की, जहां दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा होता तो शायद उसको उसके एक मतलब 50% भी वोट नहीं मिलता, मुझे लग रहा है 50,000 वोट भी नहीं मिलते, दिनेश ने 50% का टक्कर उनको दिया हुआ, ये छोटी बात नहीं है। अखिलेश यादव जी कोई छोटा नाम नहीं था, उनके सामने फाइट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और जिस तरह से उन्होंने फाइट किया अपनी नीतियों को लेकर चले, बीजेपी की नीतियों को लेकर चले, अब चूंकि उनका गढ़ है वहां चीजें नहीं हो पाई तो क्या हुआ, ओवरऑल एक सरकार बहुमत के साथ खड़ी हो गई, इसमें जब जब मेन टैगलाइन यानी मेन बीजेपी की जीत, उसमें सबके सबके जीते, तो सारे जीते हुए। अखिलेश जी ने भोजपुरी में काफी फिल्मों में सब्सिडी दिया था, उसके बाद फिर बीजेपी ने भी दिया जी, काफी भोजपुरी फिल्मों सब्सिडी मिल भी रहा है, मिलने वाला भी है, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अखिलेश जी ने जब सब्सिडी दिया था तो वो उस टाइम बंदर बाट ही था,
हमने भी एक फिल्म बनाई थी दुलारा, उन्होंने कुछ नहीं किया था उन लोगों ने, और जो उनके पार्टी के करीब थे जो उनके साथ थे उनको उन लोगों ने दिया था सब्सिडी और नहीं दिया। हमको इस बात की बहुत तकलीफ है, हमने 45 पिक्चरें बनाई हैं भोजपुरी की, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, मैंने बहुत पैसे लगाए थे दुलारा पे, जाके गांव में शूटिंग किए थे, उस टाइम टिकट्स बहुत महंगे थे यहाँ से लखनऊ के, और हमने खर्च किए अपने एक्टरों को सबको पूरी टीम को लेकर गए थे, सोचा था कि यहाँ कुछ करूँगा हो जाएगा, लेकिन मेरी फिल्म को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, जबकि एक नहायत खूबसूरत फिल्म थी, एक ऐसा विधा, एक ऐसी विधा जो लुप्त हो चुकी थी नौटंकी नाच वाली, उस पर हमने फिल्म बनाई थी, लेकिन कुछ नहीं दिया सब्सिडी। तो अब जो चीज हो गई उसके बारे में ज्यादा क्या बोलना, लेकिन मौजूदा सरकार जो है योगी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं, और जो फिल्में अच्छी हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं सबको दे रहे हैं सब्सिडी, और आज मैक्सिमम फिल्में यूपी में बन रही हैं। आज लखनऊ इतना सुंदर हो गया है, बनारस इतना सुंदर हो गया है कि मैं क्या बताऊं, अभी हम शूटिंग करते लग नहीं रहा था कि हम कहीं, मतलब जिस यूपी के बारे में लोग ऐसा बोलते थे, आज बहुत खूबसूरत हो गया है, और अभी हमारा दोनों राज्य जो है यूपी बिहार दोनों बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। तो अभी यूपी में जो सब्सिडी है, जो फिल्मों को इस तरह का बढ़ावा योगी जी दे रहे हैं, और वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और वो कंटिन्यू होगा। तो अभी तो मेरी फिल्म लैला मजनू मैंने बनाई है, और पांचाली, दोनों फिल्मों का हमने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है, देखते हैं कि किस लेवल तक का उसको आकलन किया जाता है और कितना अनुदान सरकार हमको देती है। लैला मजनू और पांचाली की क्या स्थिति है? लैला मजनू अभी एडिटिंग उसकी खत्म होने वाली है, फिल्म कंप्लीट हो गई है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, लखनऊ के नवाबों का जो घराना रहा है उनके ऊपर बेस है फिल्म, और बहुत अच्छी उसकी पृष्ठभूमि जो है वो लैला मजनू की लखनऊ की है, हमने उसमें निर्देशक के रूप में महमूद आलम उनको रखा हुआ है, फिल्म में मैं निर्माता हूँ, और वो फिल्म बहुत खूबसूरत है, जिसमें प्रदीप पांडे चिंटू और अक्षरा सिंह की जोड़ी बहुत तगड़ी है, जिसके विलन है टीनू वर्मा, अपने आप में बहुत बड़ा उनका नाम, और ये है ब्रजेश त्रिपाठी जी हमारे लीजेंड एक्टर भोजपुरी सिनेमा के, जो जिन्होंने हजारों फिल्में की है, वो उसमें फादर की भूमिका में है, और शैलेश श्रीवास्तव, ऐसे तमाम एक्टर, रानी चटर्जी का स्पेशल सॉन्ग है, तो फिल्म का ओवरऑल पैकेज बहुत खूबसूरत है, मनोज सिंह टाइगर सारे लोग हैं, और फिल्म बेहतरीन सोनालिका प्रसाद हैं, ये सारे लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।